सलामकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपको भाई क्या हाल चाल? तो हाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह बताइए। भाई चीज जानना था, इसीलिए मैंने आपके पास फोन किया था। मुझे वो क्या बोलते हैं, जो फजाइल अमाल है उसमें जो अव्वल वो दो दूसरा जो भाग है उसमें जो पहला पन्ना जिसमें तमहीद नाम से है, वो क्या आपके पास है फजाइले अमल इस समय? तो हाँ है। उसका अगर आप फोटो एक खींच के मेरे पास सेंड कर देते, क्योंकि मेरे अरे पूरा पास वीडियो बना के हमने अपलोड किया है ना, वो आप मतलब वो देख लो ना। नहीं, केवल वो फोटो ही चाहिए, केवल एक जिसमें 1357 में उनका दिमागी थोड़ा सा मामला हुआ था, क्योंकि कोई बोला है दिखाने के लिए और इस समय मेरे पास है नहीं। मैं गया था थोड़ा एक जगह तो वो दूसरा अव्वल भाग मिला था। भाई वो अव्वल में ही है। जी हाँ हाँ वो अव्वल में ही फजाइले आमाल जो भाग जी एक है उसी में तमीज है, उसी में उतरा हुआ है कि सफर 1357 में एक हाँ दिमागी मर्ज की वजह से मौलाना जकरिया साहब को दिमागी काम करने से रोक दिया गया था। गालबन लोग कहते हैं नकसीर की उनको प्रॉब्लम थी, नकसीर जिसमें नाक से जो खून बहता है, तो उन्होंने सोचा कि खाली वक्त है तो क्यों ना मैं कुछ इसमें दीन का काम कर लूं। तो उन्होंने दीन का काम करने की बजाय उन्होंने दीन का पूरी तरीके से काम कर दिया। वो अगर हो तो आपके पास फोटो एक अरे डाल हाँ दो है ना, क्योंकि भेजेंगे तभी भेजेंगे ना जब आप फोन काटोगे। अरे जी जब फोन काटोगे तभी तो भेजेंगे दादा। या अच्छा आपो भाई दिन में कोई टाइम ऐसा रखो, क्योंकि शाम टाइम में नेटवर्क नहीं रहता। थोड़े से एक दो मसले आपके जो हमने देखा था यूट्यूब पे जो आप लोड किए हैं। नहीं, जो पूछना है पूछिए, आवाज साफ आ रही। लेकिन अगर खाली आपको उसकी फोटो चाहिए तो आप फोन काटिए तो हम आपको हाँ भेज दें। और कोई बात करनी है तो आराम से कीजिए, मैं तो फ्री हूँ। नहीं फ्री हैं आप, ठीक है, लेकिन जो है वो आप फोटो जरूर डाल देना अभी। और जो है एक दो चीजें थी जो जिसपे आपसे बात भी करना था, क्योंकि हो सकता है कि आप ना समझ पाए हों इसलिए जो है, या मैं ना समझ पाया हूँ। क्या चीज तो बताइए ना, बताइए। जो आपने बहस्ती जेवर का एक डाला था जिसमें रोजे की हालत में जो भूल कर मियां बीबी अगर सेक्स कर लेते हैं तो उसमें लिखा हुआ है रोजा नहीं टूटता, तो आपने उसके ऊपर कोई हदीस भी रखी थी कि टूट जाता है और उसका कफारा देना रोजा भी पड़ता टूट जाता है, कफारा भी उसको अदा करना पड़ेगा। वो है। तो हाँ हदीस है तो बुखारी शरीफ की। हाँ तो आपने वो हदीस कौन सी बताई थी? हाँ वो मतलब बुखारी शरीफ की है, वो वीडियो में हमने बताई थी, वो हम आपको वीडियो भेज देंगे। जी आप उसके बारे में बता रहे थे शायद, जो खजूर का थैला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था कि जा तू भी खा ले अपने घर वालों को खिला दे। हाँ वो एक शख्स होता है इतना मतलब गरीब होता है कि वो मतलब कहता है कि मेरी बस्ती में मुझसे ज्यादा कोई है ही नहीं गरीब, तो अल्लाह के नबी कहते हैं जा तू ही खा ले। हाँ तो उसके ऊपर जो है वो उसमें तो लिखा हुआ जो कसदन है उसमें कसदन का लफ्ज आया है, उस 1935 नंबर की हदीस से उसमें कसदन का आया है। तो कसदन मतलब जानबूझकर ऐसा कर ले तो। और यहाँ पे जो बहस्ती जो हमें उसका मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ बहस्ती जोर, क्योंकि उसमें बहुत से मामले हमको भी अच्छा ये हल बताइए, भूल? कर नहीं, यही चीज हमने उसमें भी कहा था कि भूल के लगे। आदमी कुछ खा पी तो सकता है, ये तो समझ में जी आता है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर किसी ने भूल चूक से कुछ खा पी लिया तो रोजा जी उसका जी उसका भाई वो नहीं टूटेगा क्योंकि उसको अल्लाह ताला ने खिलाया। लेकिन भूल से हाँ कोई माज लेकिन अल्लाह हम बिस्तरी भाई नहीं करता है। हम बिस्तरी करने के लिए पहले इंसान का भाई वो मूड बनता है, माहौल बनता है, उसके बाद करता है ना, या जी मैं ऐसे समझ भूल रहा भूल में हूँ जाके वो कर लेगा हम बिस्तरी। जी, मैं यही उलमा से मैंने बात किया था, मैंने यही बात उनके सामने रखा कि जो है भाई वो मान लीजिए एक भूल जाएगा दूसरा थोड़ी भूल सकता है। तो उन्होंने कहा कि भाई अल्लाह अगर खाने पे भुलवा सकता है तो सेक्स पे 2 क्या 10 को भुलवा सकता है। नहीं तो अल्लाह के नबी ने मतलब बताना चाहिए था ना कि अगर भूल चूक से कुछ खा लिया है तो अल्लाह ने तुमको मतलब भाई खिलाया पिलाया, लेकिन अगर तुमने हमबिस्तरी कर लिए भूल चूक से तो अल्लाह ने
तुम्हारी हम बिस्तरी करवाई है, ऐसे अल्लाह के नबी को बताना चाहिए था ना। शरीयत तो हमारी कंप्लीट हो गई ना, सूरह अल-माईदा की आयत नंबर 3 कि तुम्हारा दीन कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया। तो पूरे मेरे भाई सहाबा ताबईन तबे ताबईन के जमाने में कभी किसी ने भूल चूक से शौहर बीवी ने हमबिस्तरी भाई को नहीं की, ठीक है, रोजे की हालत में अपो भाई, लेकिन खाना खाया। अपो भाई मैंने आपके कई सवाल रखे थे, हमारे यहाँ देवबंद के आलिम लोग हैं, कई सवाल रखे थे। देवबंदी लोग बहिश्ती जेवर का मंतिक कयास से उसका मेरे भाई दिफा करते हैं, हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं सैकड़ों देवबंदियों से बात हुई है, और उसमें एक से एक टॉप के मेरे भाई मुफ्ती भी हैं, वो भी कयास करते हैं कि हो सकता है अल्लाह ने उनको मतलब भुला दिया और हम बिस्तर कर लिया। कैसे हो सकता है भाई, कल को कोई देवबंदी कह देगा कि मैं अल्लाह की अता से गोबर खा रहा हूँ, अल्लाह की अता से मतलब भाई मैं वो चोरी कर रहा हूँ, अल्लाह की अता से भाई मैं वो जो मतलब वो पी रहा हूँ, शराब पी रहा हूँ। तो हर जगह अल्लाह की अता और हर जगह अल्लाह की मर्जी, वहाँ पे हम नहीं दाखिल कर सकते हैं जो चीज मेरे भाई कुरान में ना हो। ये बात तो मेरी भी नहीं समझ में आ रही है कि जो सेक्सुअल का मामला ऐसा है तो भाई कि दो आदमी अगर लगते हैं और दो आदमी में कुछ तो ऐसे तुरंत तो आदमी होने नहीं लगता, कुछ तो वो बनता है, उसके बाद कितना भूल जाएगा, कुछ ना कुछ नहीं तो आएगा। हमबिस्तरी कोई कोई प्रोसेस थोड़ी ना है, कोई खाने पीने का कि देखिए खाने पीने के आदमी को आदत होती है, वो डेली हर रोज मेरे भाई सुबह शाम दिन भर कुछ भी पाता है भाई वो खा लेता है, तो वो उसकी आदत है। अगर उसने भूल से आदत से खा लिया तो समझ में आता है, लेकिन किसी की मतलब भाई वो हमबिस्तरी करने की डेली आदत तो होती नहीं है कि वो पूरा साल सुबह शाम दोपहर पर हमबिस्तरी करता रहता है बीवी के साथ। लेकिन इसके ऊपर जो आपने हदीस रखी थी, ये जो क्या बोलते हैं खजूर वाला, इसमें तो उसमें बताया गया है कि जानबूझकर अगर कोई कर ले तो उसके ऊपर कफारा। यहाँ पे जो तो जानबूझ के ही हमबिस्तरी आदमी करता है, भूल से कोई करता ही नहीं हमबिस्तरी। पूरे 1440 साल होने वाले इस्लामी तारीख की, किसी एक सलफ का कोई ऐसा वाकया बता दे देवबंदी हजरत कि फला हमारे देवबंदी हजरत थे, उन्होंने मतलब भाई वो भी भूल गए, उनकी बीवी भी भूल गई और उन्होंने रोजे का मामला भूलने का। लेकिन हमारा तो भाई दिमाग नहीं काम करता, क्योंकि भाई अभी इसके आगे जब लोग अपना बताते हैं तो फिर हम ज्यादा नहीं बोलते, इसलिए जो है बहुत अल्लाह ने अकल दी है, सलाहियत दी है ना इंसानों को, काहे के लिए दी है, वो इसका इस्तेमाल करे, यूज करे ना, क्या कोई भूल से हम मिस्त्री कर लेगा। अच्छा एक चीज और है, वो जो अमाले कुरानी जो आपने एक डाला था यूट्यूब, चोरी आदमी जान बुझ के करता है, चोरी आदमी भूल से कभी नहीं करेगा, ठीक है जी। आप बस समझे, अब मैं कहूँ यार मैं आपके वहाँ आया था रुखसार भाई, मैंने 500 का नोट देखा और मैंने भूल से चोरी कर लिया, तो आपको क्या भूल से चोरी कहाँ होती है, जरूर तुमने जानबूझ के चोरी किया होगा, क्या देखो 500 रुपए रखे हैं कोई आसपास है ही नहीं, उठा के जेब में डाल लिया तुमने, तुमने जानबूझ के चोरी की है। अरे भूल से कोई चोरी कैसे करता है, उसी तरीके अच्छा, से हमबिस्तरी कैसे कर लेगा। चलो अगर ये एक लौता एक आदमी का अमल होता हमबिस्तरी करने का, तो एक बार मेरे भाई चलो बहस के लिए मान भी लेते कि चलो एक अकेला आदमी था, बहुत बड़ा मेरे भाई मतलब इतना बड़ा वाला मतलब वो था भुड़क्कर कि भाई वो भूल गया उसने हमबिस्तरी कर ली, दो लोग कैसे मेरे भाई एक साथ भूल सकते हैं कि वो रोजे से हैं, बताए कुछ भी बोल लिया मैं। ये मसला तो हमारे साथ कोई ऐसा मामला नहीं जिसके साथ हो ऐसा करे, क्योंकि अगर ना, लेकिन एक चीज का मसला है जो आमतौर से होता रहता है, जो आपने बताया था, जो अधिकतर सब अधिकतर जब इंसान को हमबिस्तरी करना होता है तो उसके इतना मतलब भाई वो जोश आ जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है कि वो अट्रैक्शन में मेरे भाई अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और हमबिस्तरी कर लेते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने मतलब वो भूल से कर ली, उन्होंने जोश में कर ली। और इसकी दलील क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है, वो कहता है कि क्या मैं रोजे की हालत में अपनी बीवी का बोसा मैं ले सकता हूँ, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हाँ ले सकते हो। दूसरा शख्स आता है वो कहता है क्या मैं रोजे की हालत में अपनी बीवी का बोसा मैं ले सकता हूँ, तो अल्लाह के नबी को इनकार कर देते हैं, मना फरमा देते हैं। तो एक शख्स होते हैं वो कहते हैं ए अल्लाह के नबी आपने एक को तो कहा कि हाँ कर सकते हो, दूसरों को आपने रोक दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बेहतरीन बात बताई कि नहीं मैंने जिसको कहा कि तुम अपनी बीवी के बोसे को ले सकते हो उसकी जो उम्र है ज्यादा है, ठीक है, तो वो अपने आप को रोक लेगा, कंट्रोल कर लेगा, लेकिन दूसरे को इसलिए रोका क्योंकि अभी वो जवान है, नौजवान है, अगर वो बीवी के बोसा भाई वो लेगा तो हो सकता है उसके जोश आ जाए
और वो मतलब भाई अपनी हद से आगे बढ़ जाए और रोजे की हालत में उससे आगे कुछ कर ले। तो इससे क्या साबित हुआ कि भूल से कोई हम भी भाई वो नहीं करता है, इतना बड़ा कोई भड़का थोड़ी ना भूल से कोई मतलब भाई वो रोजा रख के हम स्त्री कर लेगा। अच्छा एक चीज और बताओ यार आपको भाई ये देवबंदियों का दिमाग क्या हो गया है आपको भाई, मतलब भाई की लेवल को सही साबित करने के लिए कहीं का सर कहीं की टांग। आपको भाई एक चीज और मैं जानना था, आप यूट्यूब पे डाला था हमारे कुरानी का कुछ जो उसमें लिखा हुआ है कि वो, अरे अब आयत याद नहीं है इस समय। हाँ, औरत के अगर हैज आ रहा हो ज्यादा तो उसको रोकने के लिए हाँ, हाँ, उसकी हाँ, मतलब कमर पे तावीज बांधना ना, नाप के नीचे तावीज बांधना। हाँ तो वो जो है उसके ऊपर मैंने बात किया था कि जो है ऐसा ऐसा मामला है की हालत में कलाम पाक नहीं पढ़ सकती, उसके ऊपर ये सब माफ है, तो वो कैसे जो है ये तावीज बांध सकती है। तो उन लोगों ने कहा कि देखो वो जो ओवर टाइम है मतलब जो पीरियड के अलावा है वो बीमारी है, तो उस बीमारी की हालत में किया जा सकता है। तुमने कहा कि ये आयत किस लिए नाजिल हुई थी, मैंने उनसे बात किया तो वहाँ पे जो है कौन सा सिचुएशन था, ये सिचुएशन क्या है क्यों, तो उसके ऊपर तो वो अटक गए थे, जवाब नहीं दे पाए, लेकिन जो है इस सिचुएशन पे कि जो है बांधने के लिए, बांधने वाली बात यह आई कि वो अब हैज का मानी नहीं रहा, क्योंकि ये अहले हदीस से भी मेरी जो क्या बोलते हैं। चलिए चलिए ठीक ठीक है, उनकी जो ये बात है हमने थोड़ी देर के लिए मान ली कि भाई वो जो हैज था पहले आ रहा था, फिर उससे और ज्यादा आना स्टार्ट हो गया, तो वो एक तरीके के मतलब हो गया रोग हो गया बीमारी हो गई, तो उस बीमारी के इलाज के लिए अशरफ अली थानवी ने आमाले कुरानी में एक तावीज बता दी कि अगर किसी औरत के अगर खून उसके ज्यादा आ रहा है तो वो नाव के नीचे भाई वो तावीज को बांधेगी, और उस तावीज में एक कुरान की आयत है ठीक है, उसको लिख के कपड़े से बांध के वो अपनी रान पे मतलब अपनी वो नाव के नीचे उसको बांध लेगी ठीक है। लेकिन मसला तो यही है ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने तावीज को लटकाया उसने शिर्क किया, ये सही हदीस है, सही अल जामे की हदीस है, और इसका हदीस का नंबर है 6394। और यही चीज मेरे भाई जो दीगर मतलब जो किताब है मुसनद अहमद उसमें भी आती है कि जिसने तावीज को बांधा लटकाया उसने शिर्क किया। तो हम बीमारी का इलाज हम तावीज से नहीं करेंगे, हम दम करेंगे दुरूद करेंगे डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन हम तावीज थोड़ी ना बांध लेंगे। ये तावीज के ऊपर का मामला नहीं है, अभी अभी तो एक बात हो रही थी तावीज, तो वैसे भी हम लोग बिल्कुल उससे अखिलाफ हैं। तो बात तो ये थी कि मैं अहले हदीस आदमी जो वहाँ के बोलते हैं डॉक्टर मुबीन नदवी साहब को आप शायद जानते होंगे, यूट्यूब पे देखा हो? नहीं देखा। लखनऊ के हैं, उनसे हमारी जान पहचान है क्योंकि मैं उधर ही रहता हूँ ज्यादा, उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि इस हालत में वो नापाकी नहीं होगा, और जो है तो उसके आगे उस बात खत्म हो गई क्योंकि ताबीज का मामला अपने लोगों के यहाँ है नहीं। उसके आगे जब ताबीज का मामला मैंने बात रखा जो देवबंद से थे तो उनके सामने मैंने रखा कि भाई ताबीज ये आयत किस सिचुएशन में उतरी और कहाँ पे यूज की जा रही है ये ना। अरे भाई आप एक मोटी सी बात बताइए, चलिए मान लिया बहस के तौर से कि देवबंदी लोग का मानना ये है कि कुरानी आयत का तावीज बना के उससे इलाज हमारा हो जाएगा, चलिए मान लिया बहस के तौर पर ठीक है। तो तावीज अगर वो औरत अपने मेरे भाई गले में बांध लेती, अपने हाथ में बांध लेती, तो भी उसका मेरे भाई जो वो परेशानी थी वो ठीक हो सकती थी ना। जरूरी है कि उसको माज अल्लाह अपनी शर्मगाह के पास जहाँ से खून मतलब भाई वो ज्यादा बह रहा है वहीं उसको मतलब अपनी नाव के नीचे ही तावीज बांधना है, ये कोई जख्म का कोई इलाज थोड़ी ना है कि मान लो मेरे भाई जहाँ चोट लगी उसी पे पट्टी बांधे, ये तो एक तावीज है ना रूहानी, उसको कहीं भी बांध सकते हैं। आपको भाई अभी तावीज बांधने का मसला नहीं, अभी तो मामला ये है कि ये आयत किस सिचुएशन में क्यों आई है, ये भाई वो आयत जब भी नाजिल हुई है अल्लाह के नबी ने कभी उस आयत का इस्तेमाल इस तरीके के इलाज के लिए कभी नहीं बताया, और ना कभी किसी सहाबिया ने इस आयत को अपनी नाक के नीचे बांध के इलाज किया। ये यही चीज उनसे पूछना चाहता था कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जग में कत्ल कर दे जाए या उनको मौत आ जाए तो तुम क्या अपनी एड़ियों के बल पीछे लौट जाओगे, तो ये किस सिचुएशन में आया है,
ये क्यों कहा गया है ये, और ये तो नाम के नीचे माना जा रहा है इस आयत को, मैं ये पूछना चाहता था भाई। हाँ, अगर तो कोई है तो ये आप देवबंदियों से पूछिए ना, जो अशरफ अली थानवी का मानने वाले हैं, क्या वो जो कुरान की आयत है क्या वो इसलिए नाजिल हुई थी? उन्हीं से पूछा मैंने ये बात, तो इसका जवाब नहीं दे पाए। उसके पहले वाली बात को जवाब दे दिए थे कि भाई वो रोग है, एक बीमारी है, तो वहाँ से मैं सहमत हो गया कि हाँ भाई बीमारी है, लेकिन बात जब ये मैंने रखी तो इसका जवाब नहीं दे पाए वो लोग। अच्छा, वो मेहरबानी करके आप दे देना, क्योंकि एक हमारे एक ग्रुप है न्यू अहले हदीस नाम से, वो बिहार का है, तो उसमें जो है एक है भाई, उन्होंने कहा था, बात चल चल गई, तो उन्होंने कहा यार मैं तो उस किताब को मानता नहीं क्योंकि उसका राइटर ही वो है, क्योंकि मैं बम्बई गया था तो वहाँ पे मैंने देखा था उस किताब को, तो मैं फोटो लेके आया था, मतलब उसका फोटो खींच लिया था उतना, लेकिन मेरे पास डिलीट हो गया, तो हमको आपको भाई से अगर मांगे तो हो सकता है मिल जाए, तो आप दे देंगे बड़ी मेहरबानी, वो उस बेचारे को भेज दें हम। कौन से? वही ना फजाइल अमाल वाली, इसमें 1357 हिजरी का है, जिसमें 1357 हिजरी में उनको दिमागी प्रॉब्लम से। हाँ, वो आपको भेज दिया व्हाट्सएप पे, आप उसको देख लीजिए। भेज दिए? ठीक भाई। अपना काम अल्हम्दुलिल्लाह एकदम सुपर फास्ट रहता है। जी, आपके सुनता रहता हूँ आपके लेक्चर को, जो आप बनाते हैं देखता रहता हूँ, सुनता भी रहता हूँ। जी ठीक, वही रखें। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।